ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 6 जुलाई 2020 मंडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। मंडे है, नया दिन शुरू हो रहा है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 3 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर फ्राइडे का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,604 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,538। फिर से एक बार निफ्टी ने डेली चार्ट पे देखे तो 2G कैंडलस्टिक बना दिया था, यानी एक बोरिंग कैंडल, जहाँ पर ओपन होता है उसी के पास आके क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट में कैसे निफ्टी इंडेक्स एक रेंज के बीच में ही ट्रेड हो रहा था। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ या ब्रेकआउट लेवल के ऊपर और टूवर्ड साउथ की तरफ आया, और एग्जैक्ट 20 EMA के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की। तभी ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद इसने फर्स्ट टारगेट 10,630 अचीव किया। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी ने फ्राइडे का हाई बनाया है 630 के पास, और यहाँ पर फिर से एक बार ये एक रेंज में दिन भर पूरी ट्रेड होता रहा और ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर था उसी के आसपास आके ये एग्जैक्ट क्लोज हुआ। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। उससे पहले कुछ वीकेंड में कुछ खबरें आई थी उसके बारे में जान लेते हैं, कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ICMR ने 15 अगस्त को वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा ऐसा दावा किया है। इसके ऊपर अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है, 15 अगस्त क्या जल्दबाजी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर है। अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च हो सकती है ऐसा ICMR का कहना है। और एक दूसरी चीज़ थी, अगर रिलायंस जियो में देखें तो लगातार लास्ट 2 मंथ से लगातार बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अभी और एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी इंटेल की तरफ से, तो ये लगातार इन्वेस्टमेंट रिलायंस में आने की वजह इसके पीछे क्या है, एक बड़ा टेलीकॉम एक डिजिटलाइजेशन में बड़ा कुछ होने वाला है, इसका एक हिंट शायद अगर आप पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ देखे। 3 मार्च को PM मोदी ने एक ट्वीट किया था कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ रहे हैं। तो यानी क्या ये हिंट था कि जो बाहरी ऐप्स है, विदेशी ऐप्स है, उसको हमें बॉयकॉट करना है और हमें जो देसी चीज़ें हैं वो अपनाना है। लेकिन तभी गवर्नमेंट ऐसा ओपनली नहीं कह सकती, क्योंकि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट, उसका पर्याय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम एक ही दिन में ये जो बाहर के ऐप्स हैं उसको हम छोड़ के हम देसी ऐप्स अपना सकते हैं, और ये तभी से आत्मनिर्भर जो अभी मोदी जी ने कहा है कि देश को देश में बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करना काफ़ी देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके पीछे जो प्लानिंग था ये कई दिनों से चल रहा था, लेकिन जब अभी एक एक चीज़ें सामने आ रही है तो हो सकता है इसमें कुछ रिलेशन हो। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे, ये सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में ये बातें चल रही हो बहुत दिनों से। अभी अगर देखें तो जियो मीट करके एक रिलायंस ने ऐप इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जो बाहर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऐप है, जूम है, फिर स्काइप है, उसके बदले ये भी उसी तरह का काम कर सकता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस टेलीकॉम सेक्टर से हमें देखने को मिल सकती है। और एक है, रिलायंस ने
अनाउंस किया है कि अभी कंपनी जो है वो डेट फ्री है। तो इतना कुछ निवेश आने के बाद जो बाहर की कंपनियां देख रही है, जो आगे बहुत इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसके लिए यहाँ पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आगे के लिए क्या और चीजें होंगी ये देखने लायक होगा। एनालिसिस का ये जस्ट एक ऐसा रिलेशन हो सकता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक एनालिसिस था ये। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट देखे तो फ्राइडे वहाँ पर छुट्टी थी, इंडिपेंडेंस डे था, तो ये थर्सडे का है। और उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखे तो फ्राइडे को वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली थी, सभी नेगेटिव जोन में बंद हुए थे। एशियाई बाजार आज देखे तो ये जो वैक्सीन की खबर है, और फिर यूएस में भी इकोनॉमी रीओपन हो रहा है, तो उसके मद्देनजर यहाँ पर सभी अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 250 पॉइंट्स की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो वीकली चार्ट में ये हमने लास्ट स्विंग हाई लो पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। इसका 76.4% का ये जो लेवल है 10,623, ये एग्जैक्ट 50 EMA यानी ये जो ब्लू लाइन है इसी के पास आ रहा था। कल अगर आप फ्राइडे को अगर देखें तो इसने एग्जैक्ट इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया। तो वीकली चार्ट में अभी लास्ट 3 वीक्स देखें तो हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस हाई और लो के ऊपर करंट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये अप ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है, हायर हाई हायर लो बनाना। अभी अगर इसको यहाँ से और ऊपर की तरफ जाना है तो इमीडिएट हर्डल ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये हर्डल का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 10,723 के पास है। तो इसके ऊपर इसको कम्प्लीटली सस्टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव ये जो 100% का लेवल है यानी 11,184 के पास निफ्टी इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। हम ये वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी एनालिसिस किया और आज ही इसने 11,184 अचीव किया, ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको हर्डल से बीच में 10,700 का इसके ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा, तो हमें निफ्टी इंडेक्स में ये लेवल्स देखने को मिल सकती है। अभी इससे कम टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप क्लियरली देखें तो ये जो हमने वीकली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था, इसका ये जो 76.4 का लेवल है 10,623, ये एग्जैक्ट इसने फ्राइडे को यहाँ पर अचीव किया था। ठीक है, तो इसे अभी डिलीट कर देते। और जो डेली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लो बन रहा है यानी ये लास्ट स्विंग हाई लो, इसको पकड़ के जो टूल ड्रॉ किया है फिबोनाची एक्सटेंशन, इसके मुताबिक अभी इसका 76.4% का लेवल 10,700 के पास आ रहा है, यानी जो वीकली चार्ट में ये 100 EMA 10,700 के पास आ रहा था, यहाँ पर डेली चार्ट में ये लेवल उसी के पास आ रहा है। तो 10,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से ये जो अपसाइड मूव है ये कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत रहे थे ना बेयर्स जीत रहे थे। तो अगर यहाँ पर ओपन होता है गैप अप ओपन तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि इतना अपसाइड मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी होता है। तो 10,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही यह रैली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर RSI को देखें तो RSI में एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हो सकता है कप, ये हो सकता है उसका हैंडल, और ये अगर नेक लाइन के ऊपर यानी ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट अगर दे देता है तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से और भी तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अगर पास्ट की अगर आप बात करें तो सेम पैटर्न यहाँ पर ये फॉर्म हुआ था, ये कप और ये इसका हैंडल, और ये ऐसे ही इसने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिली। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी बन रहा था लेकिन ये प्रॉपर नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कप जैसा पैटर्न और ये इसका हैंडल,
और यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया क्लियरली नेकलाइन का, तो यहाँ से हमें अभी तक ये जबरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये पैटर्न्स है, तो यहाँ पर इसके मुताबिक इन लेवल्स को अगर ये क्लियरली ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो ये रैली हमें यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर ये यहाँ पर हर्डल फेस करता है और कोई पैटर्न बनता है रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का, तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में अगर RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर करें, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन में ऊपर हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन RSI यहाँ पर ये लोअर हाइज बना रहा है, यानी यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। निफ्टी इंडेक्स आर्ली चार्ट में ओवरबॉट जोन में पहुंच गया था, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बुल्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ऐसा सिग्नल मिल रहा है, यानी यहाँ पर क्विकली करेक्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं अभी, तो हो सकता है गैप अप ओपन हो और उसके बाद हमें एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे। तो ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन था, एक प्रोबेबिलिटी थी। तो आज इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 60 मिनट का चार्ट है, ना ही यहाँ पर हायर हाई हायर हायर लोज या फिर लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे, एक साइडवेज पैटर्न बन रहा था, एक स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स फ्राइडे को ट्रेड हो रहा था। तो काफी मुश्किल था फ्राइडे के समय ट्रेड करना स्टॉक्स में भी इंडेक्सेस में भी। तो यहाँ पर अगर देखे तो ये जो लेवल बन रहा है इसका अपर बैंड के ऊपर जस्ट ये 10,638 का लेवल आ रहा है पीवट पॉइंट का, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा क्विकली 10,651, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,669, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। निफ्टी इंडेक्स जैसे कि ग्लोबल मार्केट के हालात देख रहे हैं, अगर जबरदस्त गैप अप ओपन होता है तो वेट करना होगा, अगर 10,700 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी बाय पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें तो बेहतर होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो फ्राइडे का लो है यानी अराउंड 10,561 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,544, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,530, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।